तो दोस्तों मैंने इसका जो टू व्हील में कर दिया ट्रैक्टर एक बार, अब देखते हैं इसकी जो चाल का क्या फर्क आता है। तो रोज ही आ गया टू व्हील पे, साफ साफ पता चल रहा है स्लिप पड़ गई, स्लिपिंग आ गई। आप इस टायर को देख लो आवाज में फर्क आ जाएगा। अभी आप बताऊंगा आज जो कि 1650 पर आरपीएम है, 4x4 लगाते ही आरपीएम ड्रॉप होता है या नहीं होता। चाल बढ़ गई और आरपीएम जो है वो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आपके सामने दो ट्रैक्टर हैं, एक स्वराज 855 है और एक है सोनालिका 750। तो दोनों का जो तोरा है वो चेक करते हैं भी कौन सा ज़्यादा तेज चल रहा है, क्योंकि एक जो सोनालिका है वो टू व्हील ड्राइव में है और 855 जो है स्वराज है वो 4x4 में है। तो अभी पास में आ जाते हैं फिर चेक करते हैं। लो भाइयों, आपके सामने आ गया सोनालिका 750। आप चाल चेक कर लो भी इसकी। तो इसके पीछे जो हैरो है वो 7-7 की है, ठीक है जी, और उसके पीछे है मेरे ख्याल से 8-8 की, वो आ रहा है जी। उसकी भी चाल चेक करते हैं जी कितनी चल रहा है। स्वराज 855 मान के चलो 50 से 52 HP और सोनाली का भी वो 55 के आसपास का ही है, 52-55 मान लो। ट्रैक्टर का लुक बड़ा ज़बरदस्त है जी हमारे क्षेत्र में सोनाली का ट्रॉलियों पर और खेती में 855 और जॉन डियर। अरे क्या हाल है, डीजल खर्चा क्या आ रहा है इसका? डीजल खर्चा जोड़ा नहीं है, 7-6 लीटर तो खाई रहा होगा। अच्छा अच्छा, हैरो कितने की डाल रखी है? 8-8 की। बहुत लग रही है दोस्तों। अरे 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 जाम हो गई हैरो, हैरो का के कबाड़ ज्यादा आ गया भाई, इसीलिए ट्रैक्टर यहां दब रहा था। अरे अरे निकल गए। इसकी दोस्तों पिन निकल गई थी, तो जब जोर पड़ता ट्रैक्टर दबता चलो है ही है। अब मैं एक बार ऐसा करता हूँ, थोड़ा चला के देखता हूँ इसे। एक बार एक चक्कर आने दो। लेकिन यार एक चीज है, आप इसकी गहराई देखो यार, हैरो की क्या गजब की गहराई ले रहा है जी ट्रैक्टर। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, थोड़ा साफ जगह पे देखते हैं जी। ये है जी, आप मान के चलो मेरा हाथ जो है वो यहाँ तक, इतना आप ये मान लो जी, काफ़ी अच्छी खासी गहराई जो है ट्रैक्टर ले के चल रहा है, हैरो जो है काफ़ी अच्छी लेकर जो चल रही है।
अब इसकी देखेंगे जी, जो हमारे सामने जो 750 आ रहा है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि स्लिपेज जो है वो ये भी कम ले रहा ट्रैक्टर। अगर हम कहें कि टू व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर है और स्लिप मार के चल रहा होगा, ऐसी बात इसमें भी नहीं है, क्योंकि असल में वजह क्या है, थोड़ी हैरो छोटी है इसकी। आप चेक करो, अगर इसके पीछे हैरो 8 की होती तो शायद ये भी गड़बड़ कर जाता, स्लिप मारता। हैरो लगी इसकी भी अच्छी खासी रही है। हैरो की गहराई इसकी भी जो है वो उतनी ही है, लेकिन 4x4 की जो हैरो बड़ी है, अगर इसके पीछे हैरो 8-8 की डाली जाए। लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों, अगर ट्रैक्टर 50-55 HP का है तो कम से कम 8 की हैरो होनी चाहिए। लेकिन वजह एक है कि जैसे ये आप मान लो ज़मीन जो है थोड़ी गीली है, अगर थोड़ी सी सूखी होती तो ये ट्रैक्टर भी और सेट चलता और बड़ी हैरो भी इसमें डल सकती थी। फ़र्क तो है यार, बिल्कुल फ्री चल रहा है। कहीं कहीं जब ज़्यादा गीला खेत आता तब दबता है। लो मैं चला के देखता हूँ, चला के उधर बैठ जाओ एक बार। कौन से गियर में चला रहे हो? पहले में चलो उधर बैठ जाओ। मैं नीचे उधर जाता हूँ। चलो उधर जाओ, आ जाओ। तो दोस्तों भाई कह रहे हैं कि पहले में चल रहा जी, भैया कह रहे हैं मैं आराम कर लेता हूँ नीचे, तुम चक्कर लगा गया हो। RPM चेक करेंगे यार इसके, 1700 पर कर लिए। ऊपर आ गए भैया, मान के चलो 1600 पर आ गए RPM। चक्कर रह गया है, ट्रैक्टर पर लोड आएगा। चाल बहुत है यार, सही जो है वो 1600 ही है। सही चलाते हैं 1800 पर, 1700 पर वो गलत है। बड़ा नजारा भाई, 4x4 का भाइयों।